वेटिंग। अरे हाय, हाउ हेलो, आर यू? एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन टू मैन। बाय द वे, वी आर गोइंग टू हैव अ डिबंकिंग ऑफ वन ऑफ द फेमस पूजा नोन एज, यस, सरस्वती पूजा। ये ओके सबने किया है, राइट? बहुत बार बचपन में, या मैं जब यस मैं भी था तो बहुत बार करता था यार। बुक्स की हाँ, पूजा करो, बुक्स बुक्स के रख ऊपर बुक्स के रख के पूजा करो, अकल आएगी, दिमाग आएगा। या बट जो सरकार है फिलहाल, उसके इसमें तो साले दिमाग की तो जरूरत ही नहीं लगती, रे बुक की भी जरूरत नहीं शायद से। बस फॉलो करते जाओ अंधे। ओके चलो, देखते हैं फिर इसमें क्या है आज हमारे पास। सरस्वती पूजा, लकीर का फकीर, एक बहुत अच्छी बुक है जहाँ पे डिबंक किए गए हैं सारे के सारे जो पूजा पूजा अर्चना और फिर बाद में अंधविश्वासों को। तो लेट्स सी व्हाट इज हियर। ठीक है, ओके माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को सरस्वती की पूजा की जाती है। तो ये पक्ष है, इस दिन पूजा की जाती है। लोगों में मान्यता है कि इसी दिन विद्या देने वाली देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ था और वे लोगों को विद्या देती थी। अब मुझे पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट का देती थी विद्या, बट विद्या देती थी। ए, वो विद्या बालन नहीं है, उलाला उलाला, ये सरस्वती। ओके, तो लेकिन आज तक यह बात कोई भी नहीं बता पाया है कि सरस्वती नाम की महिला ने कब और किसको विद्या दी। मतलब उसका पहला स्टूडेंट कौन था ये भी नहीं मालूम है। ठीक है, आज जब भी सरस्वती की पूजा होती है तो उनके हाथों में एक पुस्तक होती है। क्या आप लोगों को मालूम है कि कागज का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में द्वितीय तृतीय शताब्दी में हुआ था? यानी कि जो पेपर्स का इन्वेंशन या कहिए या डिस्कवरी कहिए, चीन में सेकेंड या थर्ड सेंचुरी में हुआ था। तो सरस्वती के पास कैसे बुक आ गई, और वो भी पेपर की? तो मे दैट बी इज आई वन ऑफ दोस। थिंक भाई, ये भी हो सकता है कि दे मॉडिफाइड द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द वी जनरेशन. मॉडिफाइड द पिक्चर, प्रॉब्लम यही है ना कि वी मॉडिफाई द पिक्चर अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अगर शंकर काला है तो हम उसको गोरा बना देंगे, हनुमान मोटा है तो उसको सिक्स पैक बना देंगे, है ना? और अगर गणेश भगवान मोटे हैं तो हम उनको क्या बना देते हैं, अलग अलग ताप अवतार बना देते हैं। कोई कोई कृष्ण के अवतार में आता है, कोई बाल भीम के इसमें आता है, कोई करोना के इसमें, करोना के जैसे बना दिया था उसको, वायरस वायरस सर के ऊपर से कहीं के कहीं उड़ते हैं। सब अपने अपने हिसाब से उनको ये कर देते हैं, मतलब जिसको जैसे देखना है वैसे। ओके, संभवतः भारत में कहां पर है हम लोग, हाँ, मे बी भारत में 7वीं शताब्दी में कागज का प्रचलन आरंभ हुआ। तो 7th सेंचुरी में तो इंडिया में आया, सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में तो चीन में था। हैनसन जो 671-694 ईस्वी में भारत भारत में कागज की चर्चा की है, परंतु कागज का प्राचीनतम उल्लेख धार नगरी में राजा भोज, यानी 1018 एंड 1016 ईस्वी का है। यानी यहाँ पर हमको कहीं पे तो कागज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो निश्चित ही पुस्तक का निर्माण उसके बाद ही हुआ होगा। फिर सरस्वती जी के हाथ में पुस्तक होने का औचित्य नहीं बनता, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस कि उनके पास बुक जो है वो भी पेपर्स का, आई डोंट नो, नवनीत का होगा या पता नहीं वेलवेट एंड कौन सा है, बट पेपर्स उनके हाथ में आ गए। इवन बट शी वी डजंट डू नो। हैड, मतलब इंडिया में था ना ऑलरेडी, कि इंडिया में था वी बट वर वो, राइटिंग थिंग्स ऑन दैट, हाँ, बट वी वर नॉट राइटिंग ऑन पेपर्स, वी वर राइटिंग ऑन ताड़पत्र। ताड़पत्र, लीव्स. हाँ हाँ, लीव्स, इन सब के ऊपर लिखते थे ना हम लोग। तो पेपर तो या था ही नहीं, चीन में इन्वेंशन हो, वहां से फिर शायद ट्रांसपोर्ट या कोई लेकर आया होगा पेपर्स का, नहीं हाँ तो तो हमारे वही यहाँ पे बोल कौन रहे सा हो कि इन्वेंशन। दे आर मॉडिफाइंग द पिक्चर. बट ये गलत बता रहा है ना, इफ शी इज हैविंग अ बुक दैट मीन्स शी इज कॉल्ड एज अ गॉड ऑफ नॉलेज, बट पता नहीं उसको कौन सा नॉलेज था, आज तक तो उसने कोई नॉलेज नहीं दिखाया। फिर सरस्वती जी के हाथ में जो पुस्तक होने का औचित्य नहीं बनता है, या अगर बनता है तो पुस्तक जरूर ही 11वीं सदी के बाद की छपी हुई पुस्तक होगी, यानी 11th सेंचुरी के बाद बनी हुई पुस्तक होगी। लेकिन अगर 11th सेंचुरी में उनके हाथ में पुस्तक दे दिया
तो कौन सा बुक दिया होगा, सोचो किसने दिया होगा। दूसरी बात, अगर सरस्वती ने सर्वप्रथम विद्या दी तो वह कौन सी लिपि भाषा में दी थी, यानी विच टाइप ऑफ लैंग्वेज शी हैज रिटन और गिवन। सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, यानी सेकंड क्वेश्चन। ये तो एक तो भाषा लिपि हो गई, पर्सन जिसने उसका फर्स्ट स्टूडेंट। इन्होंने कौन सी विद्यापीठ की स्थापना की, डिड शी एवर like establish any university or... आज तक सिंधु लिपि को कोई जान क्यों नहीं पाया। ओके, भारत की प्राप्त कौन सा लिपि, सिंधु लिपि। ओके ओके, भारत की प्राप्त लिपि यानी पाली भाषा जो सबसे पुरानी मानी जाती है, संस्कृत से भी पुरानी, भारत की प्राप्त लिपि पाली और प्राकृत को भी सरस्वती के अनुयायी क्यों नहीं पढ़ पाए। उस लिपि को भी अंत में अंग्रेजों ने ही पढ़ा था, यानी कि जो हमारे जो अशोक के जो लिपि खंड मिले थे, मतलब पाली लिपि और प्राकृत, yes. उनको अंग्रेजों ने एक्चुअली डिस्कवर किया था, डीबंक किया, शायद डीबंक किया या ट्रांसलेटिंग, हाँ ट्रांसलेट करके लिखा। हमारे इंडियंस को तो मालूम भी नहीं था, उनको संस्कृत के अलावा या संस्कृत का आधा वधा इधर उधर छोड़ के वो लोग डाल देते थे। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग इज ओनली ब्राह्मण्स लोग ही पढ़ सकते थे, बाकी जो जितने भी आज अपने आप को जो बोलते हैं ना हिंदू, नहीं सॉरी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ऑल दिस थिंग, दे वर टोटली इलिटरेट एट दैट टाइम। इलिटरेट मतलब बट वी वर मेड इलिटरेट, इट वाज नॉट एक्चुअली देयर इन इंडिया, वी वर एक्चुअली वेरी वेरी प्रॉस्पेरस, बुक्स थे बट दे वर एक्चुअली डिस्ट्रॉयड। We were not prosperous. Prosperous एक बहुत बड़ा झूठा word है कि we were prosperous. Only एक particular community prosperous थी, बाकी तो पूरे के पूरे नंगे ही थे. That was prevailed, but I think we had the knowledge, but it was burned down. Knowledge सिर्फ एक ही community के पास थी वैसे, और वो भी झूठा knowledge, झूठ मूठ वो था। They used to modify it according to their convenience, वो भी है ruling kind of knowledge। There is always two sides। Okay, तो उस लिपि को भी अंत में अंग्रेजों ने ही पढ़ा था। भारत में हर विद्यालय में आज सरस्वती की तस्वीर मिलती है, लेकिन भारत के अंदर 850 ईस्वी से पूर्व के जितने भी शिक्षण संस्थान का आज तक पता चला है, उनकी खुदाई हो रही है, उनमें से कहीं से भी सरस्वती की पूजा, नहीं सॉरी सरस्वती की मूर्ति आज तक नहीं मिली। सो वॉट एवर यूनिवर्सिटीज दैट वी हैव फाउंड अंडर द ग्राउंड, आज तक उनमें से किसी में भी हमको सरस्वती की कोई मूर्ति मिली नहीं। आज से 200 वर्ष पूर्व तक सार्वजनिक तौर पर पिछड़े और अनुसूचित समाज यानी SC/ST के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने पर पाबंदी थी। अगर आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, डू यू नो दैट कि अगर किसी ने हमारे SC/ST कम्युनिटी के भाई, या दे यूज्ड टू कट द टंग टंग अरे टंग तो छोड़ो, बट वो क्या बोलते हैं ना, गरम गरम ग्लास होता है ना, लिक्विड ग्लास, या हां हां पे डाल देते थे, so that he will drink or he or she will drink, ऊपर से डाल देते थे और नीचे से पूरा खत्म आदमी, oh god वैसा था। ओके, और फिर आंख भी निकाल देते थे अगर उसने पढ़ लिया या सो ये देख लिया तो। पाबंदी थी, या कहे तो ब्राह्मणों और राजपूतों को छोड़कर अन्य लोगों के पढ़ने पर पाबंदी थी। तो विद्या की देवी ने उसके सुधार के लिए क्या प्रयास किए। तो सिर्फ अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही नॉलेज ले रही थी तो सरस्वती क्या कर रही थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही नॉलेज दे रही थी क्या? शी वॉज नॉट गिविंग नॉलेज टू एवरीवन। अगर हम भी ऐसे करने लग गए ना टीचर्स लोग की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही अगर देने लग गए तो हो गया फिर तो। आज भारत में पढ़े लिखे लोगों को भी ब्राह्मणों ने झांसा देते हुए अंधे नहीं अंधे वाले बांस का फटका पकड़ा दिया है, ताकि बुद्धिजीवी लोग भी निरंतर लकीर का फकीर बनते हुए बांस का फटका जमीन पर पटकते रहे, यानी बांस मारते रहे और फिर बाद में बोलते रहे कि भाई सरस्वती की पूजा करते रहो पूजा। आजकल ये फीमेल्स भी यही करती है, सरस्वती पूजा सरस्वती। अरे जिस सरस्वती ने तुमको कभी एजुकेशन नहीं दिया, खुद कुछ पढ़ी लिखी नहीं, एक साड़ी पहन के बैठ जाती है बट उसको खुद को नहीं मालूम है कि उसने क्या पढ़ा है। आई डोंट नो कि किस तरह की हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं। Not why don't you tell about this? This is very interesting. Santoshi Ma ke bare mein.
अरे बाप रे, संतोषी माँ तो वो जो पिक्चर के टाइम पे 19th या हाँ 19th सेंचुरी में जब टेलीविजन या बड़े बड़े ये आ गए थे, क्या बोलते हैं, यस थिएटर आ गए थे, तो हाँ थिएटर में फिर बाद में संतोषी माँ को लॉन्च करने के लिए, एक्चुअली उस समय कोई संतोषी थी ही नहीं, माँ तो छोड़ दो, हाँ तो संतोषी थी ही नहीं, तो फिर बाद में मेरे ख्याल से प्रोडक्शन हाउस ने किया कि भाई एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग छोटे छोटे पेपर्स बांट लेते हैं, जैसे हम लोग एक टाइम पे ऐसा था, आई थिंक सो 19th मिड ऑफ नाइन एंड ऑफ 19th सेंचुरी, गणेश का पैम्पलेट्स रहते थे, और फिर बाद में और कौन से पैम्पलेट्स रहते थे, साई बाबा के पैम्पलेट्स, ये पैम्पलेट यस आप ले लो और इसके 10 कॉपी 1000 कॉपी बनाओ और इसको फिर बांट दो, आपके घर पे धन आएगा नहीं, अगर आपने नहीं बांटा तो आपके घर पे कोई ना कोई मर जाएगा, यस ये सबसे बड़ा गिमिक वाला पैम्पलेट था उस समय 17th या 18th में, आई थिंक हमको पता भी चल जाएगा सरस्वती मूवी कब बनी थी, सरस्वती माँ नहीं संतोषी माँ संतोषी माँ, अरे चलो चलो या सरस्वती व्हेन यू टोल्ड मी आई डिड नॉट एक्चुअली बिलीव. फिर मैं एक 1975 में। थिंक आई वॉज हाँ आई वॉज एक्चुअली वॉचिंग अ पॉडकास्ट. तो नॉट इंडियन, इट वॉज एक्चुअली अ फॉरेनर. ही टोल्ड दैट संतोषी मा वॉज क्रिएटेड टू कवर अप सम पोलिटिकल पॉलिटिकल मिस्टेक्स एजेंडा, दैट हाँ दैट पॉलिटिशियंस डिड एट दैट टाइम. हाँ, और उसमें यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर ओनली व्हाइट एंड व्हाइट, तो ये 1975 में बनी थी, और ये 75 यहाँ पे तो अभी यहाँ पर यही है, और अब बताता हूँ इसका रियलिटी भी, ये बता रहे मुझे, तो हुआ क्या था, संतोषी माँ को जब लॉन्च किया गया था इस मूवी को, इसके 1 महीने पहले से ही, अब उस समय तो क्या न्यूज़पेपर तो थे ही नहीं ज्यादातर, तो 75 में न्यूज़पेपर और ज्यादा कोई पढ़ता नहीं था, तो न्यूज़पेपर क्या जगह इन्होंने क्या किया, एक छोटे छोटे पैम्पलेट्स बांटना शुरू कर दिया दारू के दुकानों पे, चाहे वो छोटे से शॉपकीपर्स में हो या रस्ते पे हो, कहीं पे भी, हर जगह जहाँ मंदिर वंदिर जहाँ पे होते थे, तो छोटे छोटे ये संतोषी माँ को डाल दिया कि भाई ये जो माँ है ये आपके सारे काम पूरे कर देगी, आप जो मांगेगे वो पूरा बोल देगी, ठीक है, अब सब लोग को ये देखा, यहाँ पे लिखा भी है द गॉडेस ऑफ सेटिस्फैक्शन, का सेटिस्फैक्शन बॉस, संतोषी, संतोष किस बात का सेटिस्फैक्शन होता है यहाँ पे, तो पैम्पलेट जब बांटने लगे तो उस पैम्पलेट में ये भी था कि भाई अगर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो जाएगी लेकिन इसके आपको और 10 पैम्पलेट बेचने पड़ेंगे, बांटने पड़ेंगे, यानी कि एक इट वाज जस्ट लाइक अ डिजिटल काइंड ऑफ मार्केटिंग, कि आपने 10 जेरोक्स लिए, इस 10 के और 10 बनाओ और बांटते रहो, अगर आपने नहीं बांटा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, अब धीरे धीरे जो ये जो भगवान का जो नाम हो गया संतोषी माँ संतोषी माँ संतोषी माँ, आफ्टर अ फ्यू मंथ इस पिक्चर को लॉन्च कर दिया, जब तक ये लॉन्च होता था तब तक इसको फ्री की पब्लिसिटी भी मिल चुकी थी, ह्यूज कॉन्सेप्ट भी हो गया था, और हर कोई एक किरदार जो है पूरा फीमेल के लिए था, फीमेल फीमेल की बुराई कर रही है, फीमेल फीमेल को ही नीचा दिखा रही है, फीमेल फीमेल को ही मार रही है, और वो फीमेल जो है अपनी सास की बुराई कर रही है, सास को मार रही है या सास को ही ऊपर है, ऑल सराउंडेड टू द फीमेल ओनली, एंड अल्टीमेटली इट इज संतोषी माँ, और ऊपर से भगवान जो ऊपर आसमान में सब रहते हैं ना फीमेल्स, इवन वो भगवान जिसको बोलते हैं, वैसे तो आसमान में कोई रहता नहीं है आजकल, सिर्फ पोल्यूशन ही है, तो ये लोग ऊपर, अरे ये लोग भी फाइट करने लग गए थे ऊपर के बैठे हुए, एंड दिस इज ऑल लाइक अ गिमिक टू, ये पता है मुझे बहुत अच्छा एक चीज है कि इफ यू एजुकेटेड अ गर्ल शी विल एजुकेटेड द एंटायर फैमिली राइट, बट इफ यू मेक यस अ गर्ल चूपिया शी विल मेक द एंटायर फैमिली चूपिया, हाँ पूरा नेक्स्ट जनरेशन पूरा यू नो इवन दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन टिल नाउ. यू कैन सर्च इन यूट्यूब. ओके पहले तो मूवी था फिर सीरियल था. इवन नाउ देर आर सीरियल्स गोइंग ऑन ऑन संतोषी माँ. अच्छा रीसेंट रीसेंट का मिल जाएगा आपको एंड टीवी में शायद चल रहा है. इट इज स्टिल गोइंग ऑन. लोगों अरे को बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि दैट गॉड नेवर एग्जिस्टेड. दिस इज जस्ट टीआरपी ले लो और ये कर लो, देखो भाई एक तो मैं तो हमारे मराठी में एक पर्टिकुलर चैनल है, चैनल है कुछ, तो वो चैनल जो है मराठी वाला हर एक सीरियल में, यानी आफ्टरनून इवनिंग का सीरियल उनका स्लॉट होता ही है भगवान के लिए,
बच्चों से लेके बूढ़ों तक का भगवान, कोई उनमें कुछ भगवान ऐसे हैं जो बीड़ी फूक रहे हैं, कुछ भगवान ऐसे हैं जो दारू पी रहे हैं, कुछ भगवान ऐसे हैं जो गांजा फूक रहे हैं, बट मतलब फूक ही रहे सब कुछ, बट कौन सा मरुआना कौन सा फूक के लगा के फूक रहे नहीं मालूम, बट यार सब कुछ मतलब हर उन्होंने मतलब अगर हमको दारू पीना है तो कोई ऐसा भगवान बना दो जो दारू पीता हो, वी विल ऑल डू प्रेयर इट्स एंड ऑल फॉर कन्वीनियंस. जो जो मेन कॉन्सेप्ट है, पीपल आर लाइक गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट. मिसलीडिंग हो रहा है बहुत कुछ. हाउ अभी रिसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है कि यू डू दिस फॉर गॉड एंड गॉड विल गिफ्ट यू समथिंग एंड द पंडित विल गिव यू अ लॉन्ग लिस्ट. जो उसको घर में चाहिए होता है ही विल गिव यू दैट लिस्ट. थोड़ा ब्लैकमेलिंग टाइप कि ये भगवान ऐसा कोई ले लो, डीलर चावल है, दे दो, ये सब यू कर हैव. दो यस, दे एक्चुअली मेक कैश आउट ऑफ पीपल्स अरे मेरे साथ एक बिलीव्स एंड इंसिडेंट देयर हुआ था फियर. ऐसा, बताऊं क्या? ओके ऑल द लिसनर्स हियर, मैं एक बताता हूँ एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था मेरे साथ. फिलहाल तो हम दोनों ही हैं यहाँ पे, तो फिर कोई है नहीं. तो क्या होता था, नहीं कहाँ गए हम लोग, फोटोज वाला था ना सेक्शन. हाँ तो मैं गांव जब गया था तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी एक्चुअली है ना मुझे दादी दिखाई देती है, ये देखो ये हमारा भाई भी है यहाँ पे सी के. तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे दादी दिखाई देती है, तो मम्मी ने बोला कि अच्छा कैसे दिखती है ये वो. तो मैंने आई थिंक मैंने मम्मी से या पापा से बहुत बचपन में पहली बार पहले ही सुन लिया था दादी के बारे में. एंड देन आई स्टार्टेड लाइक सेइंग समथिंग कि हाँ मम्मी ऐसा है वैसा है, और आजकल तुम उनको खिला नहीं रहे हो पिला नहीं रहे हो, इसीलिए फिर बाद में तुमको ये कर रहे हैं, बुला रहे हैं वो लोग, ठीक है श्राद्ध बोलते हैं ना, श्राद्ध नहीं करवाया ये करवाया बोल के ऐसे. हाँ अगर आप नहीं दोगे तो फिर अच्छा नहीं होता मम्मी, वो आपको सपनों में आएगी, ये करेगी वो सब करेगी. तो You used to tell that. अरे पूरी स्टोरी बना दिया मैंने, बहुत जबरदस्त स्टोरी बनाई. मम्मी तो डरी गई, मम्मी तो मतलब डर गई, लेकिन मम्मी के साथ साथ okay. पापा भी डर गए. Okay. तो फिर पापा डरने के बाद क्या बोलते हैं मुझको कि भाई चलो मैं तुमको है ना इसके साथ लेके जाता हूँ मस्जिद में, लेके जाता हूँ वहां पे झाड़ फूक कराते हैं. अब Okay. मेरी बुआ ने भी बोला कि हाँ उसको दिखती होगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं अजीब सा लगता है तेरा लड़का, हमेशा बात करते रहता है, उसके अंदर जरूर कुछ तो भूत है, बहुत बात करता है. तो मुझे मस्जिद में, और मस्जिद में फिर झाड़ फूक कराने वाला तो पीर बाबा या पता नहीं यार मौलाना या है, हाँ मौलाना मौलाना. उसने मुझे क्या बोला देखने के बाद, उसने बोला कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला ऐसा ऐसा कोई तो प्रॉब्लम है, मुझे घर में दिखाई देता है, तुमको यहाँ पे दिख रहा है क्या? मैं बोला मेरे साथ ही रहती है कहीं पे भी, यहाँ मेरे बाजू में भी बैठी है, मैंने बोला मेरी दादी. अरे हाँ तो ऐसे कैसे हो गया? फिर बाद में रुको मेरे पास सब तोड़ है. क्या तोड़ है बोले तो 51 नींबू ले लो, काटो उसको 51 नींबू बैठे, ठीक है 51 नींबू लो काटो उसको, और फिर बाद में उसका जूस निकाल के ऐसे चारों कोनों में डाल दो यहाँ पर मेरे घर के पास में. अब 51 नींबू का रस ओके निकालते तो मेरा रस निकल गया था, बट ठीक है मम्मी पापा की खुशी के लिए निकालते बैठे उधर पे, 2-3 घंटे तो ऐसे में ही लग गए. एंड देन पता नहीं उस बंदे ने क्या किया, चार बूंद इधर उधर डाले होंगे, बाकी सब जूस अपने लिए रख लिया होगा, बेचता बाहर उसको और क्या है, ठीक है बेचने का काम है. और फिर बाद में पोटली लिया, ताबीज लिया, उसके अंदर पेपर डाल दिया ताबीज के अंदर, और फिर मुझे दे दिया, बोला इसको ओके चार पेपर दिए देता हूँ मैं, हैदराबाद में जाके लगा लेना. मैं जैसे ही आया हैदराबाद में, ओके सारे जो पेपर्स थे जेरोक्स पेपर मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया जो कि मुस्लिम है एक्चुअली, ठीक है हाँ शी इवन कैन नॉट रीड एक्चुअली इस पे लिखा क्या है. वो बोली क्या बकवास है इस पे, मुझे खुद समझ में आ रहा कौन सी उर्दू है कौन सा क्या है कौन सी भाषा ये है नहीं बोलती ऐसा कुछ भी ऐसा हमारे इसमें लैंग्वेज में मुस्लिम में. मैं बोला अच्छा ठीक है, सामने मैंने ताबीज निकाल के देखा, मैंने पूरे ताबीज का उधर डाइसेक्शन कर दिया पूरा का पूरा, सत्यानाश ऑपरेशन करके निकाल के देखा तो उसके अंदर क्या वही पेपर है. अरे मेरा चूपिया बन गया, कुछ नहीं था उसके अंदर Did you क्या, use it? No, it actually uses placebo. If you प्लेसिबो believe मैंने कि if a sugar pill is a medicine, then it is a medicine. मेडिसिन का नहीं है, लेकिन डर कितना हावी हो गया है लोगों के ऊपर. हाँ, but you are saying that you dissected it and you did everything. I've seen people who मतलब ऐसे होता है, they get it and they immediately feel better.
इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस प्लेसिबो दैट ये लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी बोल के दे'ल हैव दैट स्ट्रांग बिलीव एंड करेक्ट. सो दे'ल फील बेटर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर दे प्रिफर गोइंग टू देम. ये भी देखा है मैंने कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट एंड पीपल कैन कैश योर माइंडसेट एज लॉन्ग एज यू बिलीव देम. ये सब मतलब लोगों के बिलीफ को फायदा उठाओ या धोखे का फायदा उठाओ, कुछ भी कर लो. हाँ हाँ डिड यू यूज इट और नॉट विच वन? वो जीरोक्स कॉपी एंड ऑल डिड यू यूज नहीं, इट और मैं भाई नॉट. काम का नहीं था वो, इट्स वाज और डम्बी काइंड ऑफ थिंग. तो ये छोटी सी हमारी स्टोरी थी एक्चुअली ऑन हमारा कौन है. यस, हमारी सरस्वती माँ, सरस्वती माँ. ठीक है, तो इसका बेसिकली जस्ट विल पुट अ समरी हियर. देयर इज अ डिबंक फॉर दिस सरस्वती पूजा. हमको जैसे मालूम है कि सरस्वती ने किसको कौन सी विद्या दी, आज तक हमें मालूम नहीं. हमें मालूम है कि चीन में सबसे पहले एक्चुअली पेपर का आविष्कार हुआ द्वितीय या तृतीय शताब्दी में. हेनसिंग जो कहता है कि भाई 671 में जो पैदा, उस समय जो हमारे भारत में आए थे, तो उन्होंने अपनी बुक में चर्चा की थी पेपर की. तो अगर हम देखा जाए तो फिर बाद में 11th सेंचुरी में कोई बुक छपी होगी या पेपर हमारे इंडिया में ठीक से एक्चुअली बाइंड वाइंड करके पढ़ा जाने लगा होगा. बट जो सरस्वती के इसमें जो देते हैं, पता नहीं कौन सी बुक है, कौन सा पेज है या कौन से पब्लिकेशन हाउस में से है वो. ऊपर से उसकी लिपि या भाषा भी नहीं मालूम है, कौन सी यूनिवर्सिटी उसने ओपन की वो भी नहीं मालूम है, किसको पढ़ाया वो भी नहीं मालूम. सबसे बड़ा चीज, अगर उस समय सिर्फ एक ही कम्युनिटी जो पढ़ी लिखी होती थी वो है ब्राह्मण, तो क्या सरस्वती सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ाती थी और बाकी सबको छोड़ देती थी? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन. अगर आपको अगर ऐसा ही लगता है तो आप करते रहिए इसकी पूजा, बाकी तो भाई आप अपने खुद के मालिक हैं. सो दिस इज नॉट टू हर्ट एनी कम्युनिटी, नाइदर टू हर्ट एनीवन. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. और अगर आप, अगर वो क्या है, जड़ के बुद्धू हैं, यानी कि जो जिसने बोल दिया है भाई फॉलो अप करो, भेड़ बकरी जैसी चालाक अगर है, तो भाई सुना है तो सुना है, यहाँ तक गाली वाली दे देना कमेंट में और चले जाना. ठीक है, इंक्रीजिंग अरे नहीं, गाली वाली देने वाले भी रहते हैं यहाँ पे, तो वो डाल देते हैं. तो मैं बोला जा, जाने दो भाई, तुम्हारा गुस्सा यहाँ पे उतर जाता है तो तुम शांत हो जाते हो, तो और क्या चाहिए फिर, अल्टीमेटली तुम ही. चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अप एंड गिविंग योर या वैल्यूएबल कमेंट्स हियर. दैट वाज स्नेहा एंड हर पॉडकास्ट इज एक्चुअली विद इन यू एंड मी ऑन स्पॉटिफाई. डू चेक हर ऑन हर स्पॉटिफाई एंड Yeah, I don't welcome negative comments. हाँ यस, बाय द वे प्लीज. Yes. सो दैट्स योर थिंग राइट? Yeah. चलो, Bye टेक केयर bye. देन गाइस, बाय, गुड नाइट.